निकटवर्ती ग्राम कठैद्वाड़ा के मां भगवती मंदिर में आयोजित नवरात्रि में सप्तमी की रात पूजा अर्चना करने वालों की भारी भीड़ रही। मंदिर में सप्तमी की रात भजन कीर्तन, झोला चांचरी व नृत्य से सराबोर रही। मंदिर में अवतरित देव डांगरों ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए थे। दूर दराज क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं को मंदिर समिति ने प्रसाद भी वितरित किया। समिति ने बताया कि मंदिर में 6 अक्टूबर रविवार को अष्टमी के दिन महाभंडारी का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष हीरा वल्लभ भट्ट और पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि महाभंडारे में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने सभी भक्तों से प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। सबसे पहली तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। केबल नेटवर्क के मालिक साहब हमारे बीच में यहां पर आए हुए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चंडिका केबल नेटवर्क के मालिक साहब को और सीसीएन जो आपने जो चैनल अभी चला रखा है उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने आज देखा, मैं आजकल देख रहा हूँ सीसीएन चैनल जो है 4 नंबर पर आ रहा है, तो 4 नंबर पर हर घर पर सीसीएन के सिवाय महिलाएं गरीब, पहले हम इसको देखते हैं उसके बाद आप दूसरा चैनल जो है तब लगाएंगे, आप समाचार नहीं सुनेंगे, पहले सीसीएल हम चैनल सुनते हैं। बहुत अच्छा आपने किया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं और भगवान माँ से प्रार्थना करते हैं, भगवती माँ से, कि आपका चैनल पूरे उत्तराखंड के अंदर फैले और आपके चैनल की आपकी सबकी उन्नति हो। ये हमारी नवरात्रियां जो माँ भगवती के मंदिर कठैदवाड़े में चल रही है, आज हम लोगों का 7वां दिन है। 7वें दिन में पूरा जागरण होता है, रात भर यहाँ चादरी चलते रहेगी, देवी देवताओं का हर 1 घंटे के बाद अवतार होंगे। इसमें गांव की किलोनी होती है, गांव को बांधा जाता है, पूरे गांव को बांधा जाता है कि गांव के अंदर कोई किस्म की दुख पीड़ा न हो, कोई व्याधि ऐसी न हो, कोई रोग ऐसा न हो और कोई जो आदमी सुखी रहे, शांत रहे, पूरा वातावरण अच्छा रहे, किसी प्रकार भी किसी भी व्यक्ति को कोई हानि न हो, इसलिए जो है किलोनी की जाती है और हमारे गाय भैंस अच्छे हो, हमारा दूध अच्छा हो, हम लोग उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे, हमारे बच्चे पढ़े, जो देश विदेश प्रदेश में हमारे बच्चे जो रह रहे हैं वो सुखी रहे, जो सीमाओं पर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, सीमाओं पर इस देश की रक्षा को कर रहे हैं, वो हमेशा देवी की याद को करते हैं। जब उनको संकट आता है उस समय देवी को याद करते हैं, देवी माँ की याद करते हैं। तो ये देवी को हम लोग पूजते हैं आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारे पूर्वजों से आज तक देवी को पूजा जा रहा है, आज हम उनकी संतान भी देवी को पूज रहे हैं। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है, जो चाचरी लग रही है इसमें एक तरफ महिला, एक मनोरंजन का भी साधन है, एक तरफ महिलाएं गा रही है, एक तरफ पुरुष गाते हैं, बीच में हुड़के की तान आ रही है, तो इसमें एक मनोरंजन का साधन है, क्योंकि कभी 3 साल 4 साल 5 साल में इस प्रकार के अवसर, यह हमारी जो है धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है और उत्तराखंड जो है हमारा देवी देवताओं की धरती है, यहाँ हर कण कण पर, हर पग पग पर देवी देवताओं का वास है, तो देवी देवता हर जगह आज जो है पूरे उत्तराखंड अंदर नवरात्रि का आयोजन हो रहा है और बहुत कल अष्टमी का दिन है। और हम एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से और भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे अष्टमी को जो है, पहले से अष्टबलि होती थी लेकिन अब बलि प्रथा खत्म होने के उससे अष्टबलि नहीं होती है, पुतला बनाया जाता है, भैंसा को काटा जाता है, हमारे लोग नीचे भैंसा का पुतला बना रहे हैं, पूरा जो है उनके द्वारा वहां पर पूरा चक्र बनाया जा रहा है रंगीन, उसमें भैंसा काटा जाएगा कल, लेकिन भैंसा नहीं कटेगा, भैंसे का पुतला बनाया जा रहा है वो कटेगा, अष्टबलि वहां पर होगी और उसके बाद शाम को 4 बजे से प्रसाद वितरण होगा। हम बागेश्वर जनपद में रहने वाले जितने भी हमारे निवासी हैं, जितने सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय हैं, स्कूल कॉलेज हैं और जो है आपके ये अस्पताल हैं और जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और जितने भी तमाम सारे एडवोकेट हैं, हम सब लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं, अपने व्यापारियों से, अपने नजदीक के लगे हुए ग्राम सभाओं के लोगों से, अपने नगर पंचायत के लोगों से, अपने वार्ड मेंबरों से, पूरे गाँव में जो है हमारा निमंत्रण कैद है, आप लोगों को भी हमारा निमंत्रण है, केबल नेटवर्क वालों को भी हमने कार्ड भेजे हुए हैं, सब लोगों को हमारा निमंत्रण है, बहुत बृहद जो है यहाँ पर हमारा कार्यक्रम होगा, प्रसाद वितरण होगा, तो आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं। माँ भगवती कठैदवाड़ा के मंदिर में आज 7वें दिन में हमारा
हमारा जो यहाँ पर नवरात्र का आयोजन चल रहा है उसमें आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम आपका हार्दिक धन्यवाद देंगे और आपके चैनल CCN न्यूज चैनल की शुभकामनाएं देंगे कि आपके द्वारा यहाँ पर समय समय पर हमारी जब भी नवरात्र की तैयारी हो रही थी आपने हमारे जो हमारे मीटिंग थी उसका भी आपने समय समय पर हमारा साथ दिया था और उसी क्रम में आज आप सप्तमी के दिन यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और जहाँ पर की चाचरी जो हमारी चल रही है, जो हमारी धरोहर है उसको यहाँ पर सजोए हुए हैं। हमारे दानपुर क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए जा रहे हैं और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कीर्तन भजन का कार्यक्रम भी चल रहा है, देवी देवताओं का अवतार भी हो रहा है। तो हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, कल 6 अक्टूबर को अष्टमी के दिन यहाँ पर महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। हम CCN न्यूज के माध्यम से सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को यहाँ पर महाभंडारे में आमंत्रित करते हैं और पुनः एक बार आपका यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। CCN न्यूज के लिए महेश जोशी की रिपोर्ट।